हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी ओनली इम्पोर्टेंट में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को देश के लिए एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। यह शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। शिक्षा नीति 2020 से संबंधित ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो के अतिरिक्त आपको किसी बाहरी डेटा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिर्फ यहीं से ही बनना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 2020 भारत के कौन से क्रम की शिक्षा नीति है? तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर की शिक्षा नीति है। देखिए, पहली शिक्षा नीति आई थी 1969 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं। दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और अब 34 साल बाद अब नई शिक्षा नीति आई है 2020 में जब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर सी। देखें, जून 2017 में कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर लिया था और जिसे 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि कस्तूरी रंगन कौन है? तो कस्तूरी रंगन है पूर्व इसरो प्रमुख। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहते थे और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। चौथा प्रश्न है, किस कक्षा तक पढ़ाई का माध्यम क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा होगी? यहाँ एक बात स्पष्ट कर लेना होगा कि क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। अक्सर लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा अलग होती है और मातृभाषा अलग होती है। जैसे कोई व्यक्ति पंजाब में रहता है तो पंजाबी उसकी क्षेत्रीय भाषा होगी, या जैसे कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी उसकी क्षेत्रीय भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा। जबकि मातृभाषा पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही है और वो है हिंदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाँचवीं कक्षा तक। अर्थात पाँचवीं कक्षा तक बच्चों की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा हिंदी में होगी। यहाँ एक बात गौर करने के लिए है कि कमेटी ने यहाँ तक सलाह दी है कि आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई यदि क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा हिंदी में हो तो ये और भी बेटर होगा। हालांकि इस पर गौर नहीं किया गया है, इसे अमल में नहीं लाया गया है। अभी सिर्फ यही है कि पाँचवीं कक्षा तक की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा हिंदी में होगी। अगला प्रश्न है, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी जिसका नाम होगा? तो इसका नाम होगा परख। बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ एक क्वेश्चन और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, परख का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो परख का फुल फॉर्म होगा परफॉर्मेंस एसेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, माध्यमिक स्तर तक सभी के लिए शिक्षा अर्थात एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। सातवां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने हेतु लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है बी 6%। एक बात ध्यान में रखना है कि अभी वर्तमान में शिक्षा पर जीडीपी का 4.4% खर्च हो रहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पैटर्न 10+2 की जगह कौन सा नया पैटर्न लागू होगा? इसका आंसर होगा 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब यह है कि अब 12वीं क्लास तक पढ़ने के लिए 12 साल नहीं बल्कि 15 साल लगेंगे। इन 15 वर्षों को 4 स्टेज में बांटा गया है। पहले स्टेज में 5 साल, दूसरे स्टेज में 3 साल, तीसरे स्टेज में 3 साल और चौथे स्टेज में 4 साल शामिल हैं। पहले स्टेज के 5 वर्षों में से 3 वर्ष आंगनबाड़ी अथवा केजी के लिए है और बाकी के 2 वर्ष पहली और दूसरी कक्षा हैं। दूसरे स्टेज के 3 वर्षों में कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी और कक्षा पाँचवीं शामिल है। तीसरे स्टेज के 3 वर्षों में कक्षा छठवीं, कक्षा सातवीं, कक्षा आठवीं शामिल है और इसी तरह चौथे स्टेज के 4 वर्षों में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं ये 4 क्लास शामिल हैं। आगे है 2035 तक उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 50% GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है हायर एजुकेशन में। इस सकल नामांकन अनुपात का जो करंट आंकड़ा है वो 2018 का है जो है 26.3%। दसवां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2030 तक स्कूली शिक्षा में कितने प्रतिशत GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 100%। लास्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, UGC, AICTC और NCTE की जगह किस विभाग का गठन होगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होगा। तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से ही बनना है। हम आपके लिए सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल ऑन रखिएगा, एटलीस्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आज तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।